इस गेट लगने से खुश आपको नहीं होना है, हमको ये खुश होना है कि हमारा कॉलोनी सुरक्षित कैसे रहे, नहीं तो आने वाले समय में आप बेच बेच के जाने लगेंगे अपने मकानों को। तो उसके लिए हम सबको बैठ के प्लान करने की आवश्यकता है। राजेंद्र सिंह अरोड़ा की आपत्ति ये है कि ये रोड है सरकारी रोड, सरकारी रोड पर गेट लगाना अनुचित है या उचित है? नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल राजेंद्र जी शहर के जागरूक जनप्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व सभापति रहे हैं, उनकी आपत्ति ठीक है। गेट लगा के कोई कब्जा किया जा रहा है तो एक आपत्ति हुई, तो क्योंकि मेरे विधानसभा का मामला है और मैं तब तक कहीं इंटरफेरेंस नहीं करता हूँ जब तक जनता मुझसे कांटेक्ट ना करे। तो ये बिहार से आदरणीय पांडे जी और पूरी टीम, प्रेसिडेंट साहब, दुबे साहब, सब लोगों ने मिल के, उनका कहना कि गेट हट जाना चाहिए, अगर जिन्होंने गेट लगाया उनके खिलाफ में वो रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, वो कोर्ट जाएंगे, ऐसी वो बात कहे थे पिछले दिनों, अब उनका क्या होगा? नहीं, वो लोकतंत्र है, वो कोर्ट जा सकते हैं, वो FIR करा सकते हैं, विधायक के नाम पे करा दीजिए। सूर्या विहार में गेट विवाद के बीच वैशाली नगर विधायक ऋग्वेद सेन भी यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पे लोगों से मुलाकात करने के बीच में उन्होंने क्या कुछ कहा है, गेट को लेकर क्या कंट्रोवर्सी है, वैशाली के विधायक ऋग्वेद सेन का क्या ओपिनियन है, वो उस पर भी बात करेंगे। विधायक जी, गेट को लेकर आज आप यहाँ पे आए हो, क्या कुछ बातें हुई है, लोगों की डिमांड क्या है और एक्चुअल में क्या कुछ हो सकता है? जी जी, वो देखिए ऐसा है कि जो अपनी गाड़ी कमाई से जो लोग घर खरीदते हैं उनका घर सुरक्षित हो इसकी चिंता होती है, और सूर्या विहार कॉलोनी को जब कॉलोनाइजर ने इस कॉलोनी को जब बसाहट की तो इनको सपना दिखाया गया कि आपका प्राइवेट कॉलोनी है, यहाँ पे कोई बाइक की रेसिंग नहीं करेगा, यहाँ पे दूसरे कॉलोनी के लोग आके घूमेंगे नहीं, ये जो गार्डन बना है इस गार्डन में आप ही लोग घूमेंगे, ये जो सड़क है इस सड़क से आप ही लोग जाओगे और कोई नहीं जाएगा। यहाँ पे हम देखिए, हमने गेट लगा दिया है, अब यहाँ पे गार्ड रहेगा। अब ये क्या किए, जो यहाँ रहने वाले, कोई वैशाली नगर से आया है, कोई सेक्टर 10 से, कोई रिटायर्ड GM आए हैं, कोई डॉक्टर हैं जो बाहर से आए हैं, ऐसा करके अलग अलग लोगों ने यहाँ पे संपत्ति खरीदी। सीनियर सिटीजन भी हैं, 25 साल पहले वो सीनियर सिटीजन नहीं थे, युवा थे, तो वो सब लोगों ने लिया, अब इस विश्वास के साथ लिया कि इस कॉलोनी में किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब क्योंकि बसाहट बढ़ रही है भिलाई की, खास कर से वैशाली नगर विधानसभा की, क्योंकि टाउनशिप तो फिक्स है सेक्टर 1 से सेक्टर 10 तक, वहाँ पे कॉलोनाइजर आ नहीं सकता। वैशाली नगर विधानसभा पे जितनी खेती ज़मीन है उसको लोग खरीदते चले जा रहे हैं, उसका डाइवर्शन ले रहे हैं। अभी जो सड़क है, इस सड़क पे अचानक गेट लगना चालू हुआ, गेट पहले से लगा हुआ था क्योंकि कॉलोनी वालों ने बताया था कि यहाँ से किसी का भी इंटरफेयर नहीं होगा, क्योंकि उस समय कोई ज़मीन खरीदे नहीं थे आगे। अब चूंकि ज़मीन लोगों लाइन से खरीदना चालू किए हैं और ये जो गेट है, ये गेट को इन्होंने बस संधारण करके लगाया बस है, लेकिन सामने में कुछ शिकायतकर्ता आए हैं जो शहर की चिंता करते हैं। वो शहर के जो चिंता करने वाले लोग हैं उनको लगा कि एक गेट लगा के कोई कब्जा किया जा रहा है, तो एक आपत्ति हुई, तो क्योंकि मेरे विधानसभा का मामला है और मैं तब तक कहीं इंटरफेरेंस नहीं करता हूँ जब तक जनता मुझसे कांटेक्ट ना करे। सूर्या विहार से आदरणीय पांडे जी और पूरी टीम, प्रेसिडेंट साहब, दुबे साहब, सब लोगों ने मिल के मुझसे कॉन्टेक्ट किया और इस गेट के विषय में बताया, और ख़ासतौर से भिलाई टाइम्स में ये खबर चली, तो जिसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे मैं पहुँचा तो मैं देखा कि एक नया गेट, सुंदर गेट लगा हुआ है और उस गेट का संधारण हुआ है, लेकिन मैंने इनको समझाया है, क्योंकि इनका जनप्रतिनिधि हूँ, झूठ बोलूँगा नहीं। मैंने इनको कहा कि ये जो सड़क है, ये सड़क सिर्फ आपके कॉलोनी के लिए नहीं है, ये जो सड़क है पहले MR24 हुआ करता था, अब मास्टर प्लान में और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने इसे MR72 कर दिया है, और आगे जो है बहुत सारे कॉलोनाइजर आ गए हैं, सिटी सेंटर मॉल आ रहा है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट आ रहे हैं, तो ये मानसिकता बनाना पड़ेगा कि ये जो सड़क है ये 100 फीट की सड़क है, जो सड़क आपको जो है वो सभी को जाता है। अब हमको चिंता इस बात की करनी है कि हमारा सूर्य विहार कॉलोनी सेपरेट कैसे हो, इसको सेपरेट कैसे हो, इसके साथ मैं रणनीति बनाऊंगा और इसमें शासन का भी कोई योगदान होगा तो उसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं से सब कुछ लग जाए ऐसा नहीं होगा, दिमाग इनका होगा, आर्किटेक्ट से डिज़ाइन कराएंगे, और उसके बाद जो गेट है ये 100 फीट का गेट है, 100 फीट की सड़क है जिसमें 40 फीट पे गार्ड रूम बना हुआ है और 60 फीट पे गेट लग रहा है, तो ये गेट जो है
अभी चौड़ा हो जाएगा और इसको लेके और प्लान करेंगे। तो ये सारा डिस्कशन आज मैंने किया है और इसके लिए इनकी मानसिकता भी तैयार है क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं कहीं दूसरे जगह जाता जहाँ MR9 MR की समझ ना हो, जहाँ पे कॉलोनाइजर का मीनिंग ना मालूम हो। नहीं, पांच बार का मैं हूँ और उसके साथ साथ क्योंकि मैं कहीं पे भी जाता हूँ पहले स्टडी करता हूँ। मैंने आपत्ति करता राजन सिंह अरोड़ा की आपत्ति ये है कि ये रोड है सरकारी रोड, सरकारी रोड पर गेट लगाना अनुचित है या उचित है? नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल राजेंद्र जी शहर के जागरूक जनप्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व सभापति रहे हैं, उनकी आपत्ति ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब तक कोई आवागमन नहीं था तब तक वो गेट था क्योंकि यहाँ पे कोई कॉलोनाइजर नहीं था। और अभी भी वर्तमान में उन्होंने गेट को खोल दिया, अभी सामने ही बहुत सारी डंपर गई है, ये खुला रहेगा। ये सिर्फ गेट लगा रहेगा नहीं, आने वाले समय में 100 फीट पूरा खुलेगा जब ट्रैफिक की व्यवस्था बढ़ेगी, सारा चीज़ होगा, गेट भी निकलेगा। लेकिन क्या है, जो बाहर से जो लड़के यूथ आते हैं जो ये देखते हैं यार ये तो अच्छा कॉलोनी दिख रहा है, गाड़ी पार्क करके, चलो गाड़ी पार्क ही नहीं, गाड़ी की बाइक रेसिंग लगाते हैं, उसके बाद अंदर जो है गाड़ी में बैठ के शराब पीते हैं, तो उनको ये गेट से ये लगने लगेगा कि ये प्राइवेट कॉलोनी है, तो मन में डर रहेगा अंदर जाने से। वो सांकेतिक दिखाने के लिए गेट लगाया गया है, ठीक है ना, बंद नहीं होगा और किसी को रोका भी नहीं जाएगा। लेकिन असामाजिक तत्व ना आए इसके लिए पहल की जाएगी। आप खुद स्वयं मैं मॉनिटरिंग करूंगा और सूर्य बिहार कॉलोनी के लोग इस शहर में हमेशा सकारात्मक काम किए हैं। ये वो कॉलोनी के लोग हैं जब कोविड के समय में जब विपरीत परिस्थिति आया तो ये कॉलोनी के लोगों ने जन सेवा दिखाई, जिसको जहां मदद कर सकते थे वहां पे मदद करने की कोशिश की, अपने घर के भाइयों से लेके अपने ड्राइवरों से लेके अपने गार्डों से लेके सब गरीबों की इन्होंने मदद की है। इनका योगदान शहर में हमेशा, राजेंद्र दौरा जी को बधाई और साधुवाद देता हूँ मैं कि उन्होंने एक आपत्ति करके हमको जगाने का काम किया है और इसके बहाने हम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मास्टर प्लान से सारा डिटेल लेके आए हैं। उनका कहना कि गेट हट जाना चाहिए, अगर जिन्होंने गेट लगाया उनके खिलाफ में वो रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, वो कोर्ट जाएंगे, ऐसी वो बात कहे थे पिछले दिनों, अब उनका क्या होगा? नहीं, वो लोकतंत्र है, वो कोर्ट जा सकते हैं, वो FIR करवा सकते हैं, विधायक के नाम पे करवा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहने पे लगा? हाँ, मेरे कहने पे लगा है और मेरे कहने पे ही हट रहा है। 100 फीट की चौड़ाई सड़क होगी, गेट हटेगा, लोगों का आवागमन होगा, आगे सिटी सेंटर मॉल बन रहा है, बड़े बड़े कॉलोनी बन रही है तो उसमें लोगों का आना जाना होगा। यही सड़क जो है आगे जो खुलेगा अभी वो जेवा सिरसा IIT भिलाई को टच करेगा और रौनकता बढ़ेगी, इसको डिवाइडर बना के और चौड़ा किया जाएगा, सारा चीज़ होगा। लेकिन तब तक जो है अभी सांकेतिक रूप से ये किया गया है, इसको भी हटा लेंगे, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, मैंने कॉलोनी वालों को बता दिया है। हाँ ठीक है, चलो। वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह थे जिन्होंने लोगों से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है कि गेट उचित है अनुचित है उस पर भी उन्होंने कहा है। हालांकि देखने वाली बात यह है इस पर प्रशासन स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि आपत्ति कर दी गई है कलेक्टर के पास, जिला प्रशासन के पास, राज्य सरकार के पास, उस पर फैसला क्या होता है वो देखने वाली बात है। गेट भी तो हम लोग जब से ये कॉलोनी बना है कितने साल हो गए होंगे सर? 25 ईयर। जब मैं पूरे भारतवर्ष का कम उम्र का पार्षद बना था सन 2000 में, तब ये जो है कॉलोनी का निर्माण हुआ और आज 25 साल होने जा रहे हैं। इस 25 सालों से मैं इसको, इस गेट को देखते आया हूँ, कभी टूटा गेट देखा, कभी जंग लगा गेट देखा, अभी तो कितना सुंदर लग रहा है। ये डिज़ाइन मुझे दीजिएगा, मैं इसको 2-4 जगह लगाऊंगा। तो ये जो है मैं इसे अभी देख रहा हूँ। अब इसमें जो आपत्ति जिनकी थी उनसे मैं जानना चाहा कि आपकी आपत्ति क्या है, तो निगम के हमारी जोन कमिश्नर मैडम बैठी हुई है, निगम के अधिकारियों ने बताया कि ये जो लाइन है, एक समय में जब यहाँ पे बसाहट नहीं थी, जब यहाँ पे सिर्फ आप लोग जो BSVK ने जब ये कॉलोनी बनाया, जब वो कॉलोनाइजर बने, तो यहाँ पे जितने अपार्टमेंट और जितने बंगले हैं, उस अपार्टमेंट और बंगले को जब उस समय कोई नहीं था यहाँ पे, आगे कोई निर्माण भी नहीं था, तब उस सुरक्षा की दृष्टि से इस गेट को लगाया गया था। जब ये कॉलोनी बना और उसके बाद जब आसपास कुछ बसाहट नहीं थी, तब वो गेट लगा के आपको सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया। मैंने आज आपके आने से पहले, क्योंकि मैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि हूँ कि मैं हवा में कोई बात नहीं करता, पहला, दूसरा, किसी को खुश करने के लिए कोई बात नहीं करता,
तीसरा, जब तक अधिकारियों से टेक्निकल सारा चीज़ समझता नहीं हूँ तब तक कहीं मैं डिस्कशन के लिए नहीं जाता। इस मेच्योरिटी के साथ ही मैं किसी पब्लिक प्लेस पे जाता हूँ, क्योंकि कोई भी बात अगर एक जनप्रतिनिधि अगर कर रहा है तो उसके अंदर गंभीरता होनी चाहिए। और दूसरा, वोट की चिंता नहीं करता। अगर मैं वोट की चिंता करके अगर बोलने लगूँ सब कुछ अच्छा अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोग को धोखा देने का काम करूँगा। मुझे ये नहीं मालूम कि 5 साल बाद क्या होगा। आप मुझे मेरे ही सच्चाई बोलने के बाद हो सकता है आप मुझे वोट ना दें, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। सच्चाई रखना, दस्तावेज के साथ आपके सामने रखना मेरा काम है। मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक गेट लगा है, कोई दिक्कत नहीं, गेट कोई हटाएगा नहीं, इसकी भी जवाबदारी लूँगा, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। पहला, ये जो सड़क है ये आपके कॉलोनी का सड़क नहीं है। ये जो सड़क है ये पहले MR24 हुआ करता था। अब ये जो सड़क है नया टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में, नया मास्टर प्लान में ये MR72 हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका पर्सनल सड़क नहीं है। पहली मानसिकता आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड ये है कि यहाँ से आगे जाने के लिए बहुत सारी कॉलोनियाँ बन रही है, जो मेरे नॉलेज पे अधिकारियों ने मुझे बताया है। अभी जो इसके आगे, जिसको आपको मानसिकता आने वाले समय में गेट रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बनने वाला है चौहान सिटी सेंटर मॉल, जिसका परमिशन नगर निगम, राज्य शासन, जिला प्रशासन, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने दिया हुआ है। यहाँ पे बनने वाला है चौहान क्लब हाउस, जिसका भी परमिशन जो है विधिवत तरीके से लिया गया है। यहाँ पे बनने वाला है चौहान रेस्टोरेंट, यहाँ पे बनने वाला है चौहान शॉपिंग मॉल, दूसरा बनने वाला वन चौहान शॉपिंग मॉल वन, चौहान शॉपिंग मॉल टू, चौहान शॉपिंग मॉल 3। उसके अलावा चौहान के कॉलोनी के फेज 1, फेज 2, फेज 3, ठीक है। और ये सब जब इतने बड़े मात्रा में जब ये बनेगा तो इसका आने जाने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता यहीं से है, ठीक है। और इसको आप चाहोगे कि इसको हम बंद कर देते हैं, अब एक नया आंदोलन करते हैं कि अब उसके परमिशन को रद्द किया जाए और यहाँ सिर्फ हमारा रहेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप मना करोगे, अगर मैं लड़ाई भी आपके साथ लड़ूंगा, 1 महीना अगर धरने में भी बैठूंगा, तो ये भारत देश लोकतंत्र देश है, वो जाके कोर्ट से स्टे या तमाम प्रक्रिया होती है वो सब हो जाएगी। अब इसमें मूल करना क्या है, मेरा काम ये नहीं कि मैं किसी के तरफ से आया हूँ। मैं जो सारी स्थिति परिस्थिति को अभी आपको मैं अधिकारियों को चमका के डांट के सारा काम करवा लूँगा वहाँ तक ठीक है, लेकिन मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। और इसमें आप लोग निराश मत होइए, मैं जितनी बात बोल रहा हूँ इसको बस समझने की आवश्यकता है। मैं फिर उसके बाद मैं नक्शा लेके आया, नहीं नहीं आप मैं हूँ ना अभी, आप चिंता मत करो। उसके बाद मैं पूरा नक्शा वहाँ से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से निकाला हूँ। ये जो नक्शा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपकी सड़क है। और इस सड़क में एक चीज़ और है, ये जो सड़क है ये 100 फीट की है, ठीक है। अब इस 100 फीट पे ये मेरा नक्शा बनाया हुआ नहीं है या किसी का व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है, ये मैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और मास्टर प्लान का लेके आया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो है, इसको बंद कर दीजिए। अब इसके बाद जो है, अब इस सड़क इस गेट से उस गेट तक हम नापते हैं तो ये आता है 60 फीट, ठीक है। और 100 फीट कहाँ से आता है, 100 फीट इस गार्ड रूम से लेके वहाँ तक 100 फीट आता है, ठीक है। हमने ऑलरेडी गार्ड रूम से लेके वहाँ तक हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये 100 फीट को 60 फीट हमने खुद किया है, दूसरा जो है अब आपकी इच्छा है कि भैया ये गेट बना रहे है, गेट अगर लगा भी रहेगा तो जो आने जाने वाले लोग हैं
उसको आप कैसे चिन्हित करोगे कि वो कौन है भाई? अगर वो गेट अगर वो आएगा बोलेगा खोल, हॉर्न बजाएगा, वो गार्ड तो बेचारा गरीब दो मिनट में गेट खोल देगा, उसकी तो इतनी पूछने की भी हिम्मत नहीं है कहाँ जाना है भैया, क्या जाना है भैया, कैसा है भैया, वो तो वो भी नहीं जानता है। इसके लिए कुछ हमको, मैं इस गेट को भी हटाने की बात नहीं किया हूँ, मैं आपको वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। थोड़ा सा कॉलोनी का स्वरूप हमारा सूर्य विहार कॉलोनी की अलग पहचान रहे, इसके लिए कुछ नया उपयोग करने की आवश्यकता है, नया स्टडी करने की आवश्यकता है। आपके यहाँ जितने मैं चेहरे देख रहा हूँ जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ऐसे अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, अलग अलग प्रोफेशन में रहने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और सब लोग उन लोग हैं जिन्होंने भिलाई बनाने में अपना योगदान दिया। हमारे अंकल जी पीछे बैठे हुए हैं, यहाँ जितने हमारे बुजुर्ग लोग हैं, भिलाई की बसाहट, जब इस भिलाई को कोई जानता नहीं था, जो सूर्य विहार कॉलोनी को इस जगह पे जो शमशान हुआ करता था उस जगह पे आज पॉश कॉलोनी सूर्य विहार कॉलोनी बना हुआ है, तो भिलाई का जो बसाहट है कोई नहीं सोचा था अब IIT आ जाएगा, IIT के पास अब नए नए कॉलोनी बनने लगे, वहाँ पे 10 रुपये स्क्वायर फीट पे कोई ज़मीन लेने को तैयार नहीं होता था। हमारा वैशाली बेल्ट है, वहाँ 8 रुपये स्क्वायर फीट पे मिलता था, कोई लेने को तैयार नहीं था, लेकिन अब कॉलोनी का विस्तार हो रहा है। और इस कॉलोनी को हमको सुरक्षित करने के लिए राकेश कुमार साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर विवेकन पिल्ले यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे बैठे हुए हैं, BSP में अपना योगदान देने वाले सारे लोग बैठे हुए हैं, बड़े ऑफिसर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा कॉलोनी सुरक्षित रहे। एक तो मुझे ऐसा लगता है, उसके लिए अलग से बैठेंगे कोर कमेटी के साथ, एक इंटरकॉम की सुविधा हर घर पे होनी चाहिए। अगर गेट पे अगर कोई व्यक्ति आके कहता है कि मुझे सूर्य विहार कॉलोनी में जाना है फलाना फ्लैट नंबर, तो यहाँ से इंटरकॉम जाना चाहिए उस व्यक्ति को कि क्या आपने इसे बुलाया है, और तभी उसको परमिशन दिया जाए। दूसरा, जब ये आम सड़क बन जाएगा, इस आम सड़क से अलग हट के हमारा कॉलोनी सेपरेट कैसे हो, इसकी चिंता आप लोग को करना है, उसके लिए मैं भी आपके साथ बैठूंगा। दूसरा, कई इस कॉलोनी में डेवलपमेंट की आवश्यकता है, डेवलपमेंट की आवश्यकता है कि बहुत कुछ आप लोग बनाना चाहते हो, आप लोग की भी इच्छा है कि नगर निगम इस पर हस्तक्षेप करे, और आप कभी किसी जनप्रतिनिधि के पास जाओगे या निगम के अधिकारियों के पास जाओगे तो लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो अब प्राइवेट कॉलोनी है, हम इस पर कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन आपका जनप्रतिनिधि बड़ा मजबूत जनप्रतिनिधि है, कान या तो ऐसे पकड़ूंगा या तो ऐसे पकड़ूंगा, और आपको इस कॉलोनी में डेवलपमेंट करके दूंगा। कई ऐसी बड़ी राशियाँ जो लगेगी वो सब चीज़ मैं करके दूंगा आपको। आप बस इस जो 10 कॉलोनियाँ हैं बन रही है यहाँ पे, क्योंकि अभी एक मॉल से आप परेशान हैं, दूसरा मॉल आने वाला है, रेस्टोरेंट आने वाला है, क्लब हाउस आने वाला है, और उसको आप रोक नहीं पाओगे। और इस सड़क को भी, इसको जो है, इसको आपको आने वाले समय में खुद ही क्या करोगे आप कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत हो जाता है, हम लोग को निकलने में, ऑफिस जाने में बड़ा दिक्कत होता है, तो आप ही खुद जो है आदरणीय अध्यक्ष महोदय पदाधिकारियों को बोल के गार्ड रूम भी तोड़वाओगे, वो भी तोड़वाओगे आने वाले समय में। तो इसकी मानसिकता के लिए हमको तैयार रहने की आवश्यकता है, कुछ प्लान करना पड़ेगा आप लोग के साथ बैठ के। इसको आप लोग भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, और ये जो है हमने लगाया है, ये मेरे संरक्षण में लग तो गया, आपकी खुशी के लिए लग गया, कि आपको ये ना लगे कि आपका विधायक कहीं से कमज़ोर है या आपके साथ नहीं है, तो इसलिए तो मैं लगवा दिया इसे। कल मैंने फ़ोन किया भोपाल से कि आप लगाइए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन हमको सिस्टम में आने की आवश्यकता है। इस गेट लगने से खुश आपको नहीं होना है, हमको ये खुश होना है कि हमारा कॉलोनी सुरक्षित कैसे रहे, नहीं तो आने वाले समय में आप बेच बेच के जाने लगेंगे अपने मकानों को। तो उसके लिए हम सबको बैठ के प्लान करने की आवश्यकता है। मेरी बात किसी को भी अगर बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और कहीं पे भी मेरा कोई मानसिकता नहीं आपका मनोबल गिराने का, लेकिन संभलने की आवश्यकता है, कॉलोनी को स्वच्छ और सुंदर बनाने की आवश्यकता है, और एक अच्छे आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करा के हम अपने इसको कैसे अपने घेरे में ले लें,
क्योंकि देखिए अभी ये कॉलोनी एक सेपरेट दिखता है, ये जो बंगले बने हुए हैं ये एक सेपरेट दिखता है। हाँ, ये जो एरिया है ये एक आपको पर्सनल दिखता है। उधर से आगे भी अगर अपन जाएंगे जितने मकान जितने बंगलो बने वो भी थोड़ा सेपरेट है, तो एक सेपरेट किया जा सकता है। इस लाइन में एक जगह अपन गेट लगा सकते हैं। आपने देखिए इधर भी एक लगाया, शायद इस साइड भी कोई कॉलोनी आ रही क्या? ये सिर्फ हमारा सूर्य विहार का ही है ना, आपने यहाँ लगाया तो ये सेपरेट है, ये गेट लगा हुआ है। तो ऐसा ही कुछ प्लान करना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट का कुछ प्लान करना पड़ेगा। जैसे वैशाली नगर में मैंने स्टार्ट किया है, मैं अपने घर के सामने से मैंने स्टार्ट किया। जो स्ट्रीट है जिस स्ट्रीट पे किसी का आना जाना नहीं है, वहाँ पे 15 मकान है, तो वो जिसको जाना है वो 15 मकान वाले के पास ही आएगा। तो मैंने वहाँ पे गेट लगा दिया, एक गार्ड बैठा दिया। वैसे ही हर स्ट्रीट को मैं सेपरेट करने वाला हूँ, जहाँ पे किसी का आवागमन नहीं है। लेकिन अगर किसी का आवागमन है और जो मास्टर प्लान में है, अगर अजय चौहान या चौहान की कंपनी अगर कब्जा करती कि भाई इस जगह पे जो है इस सड़क को ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्टर प्लान में सड़क नहीं है, तो हम जो है बिल्कुल भी नहीं जाने देते किसी को भी। लेकिन जब वो मास्टर प्लान में है और MR 24 से 72 हो गया है, तो हम उसको नहीं रोक पाएंगे। लेकिन तब तक कॉलोनी और कैसे सुरक्षित और बेहतर हो सके, उसके लिए हमको चिंता करने की आवश्यकता है। ये जो गेट है, इस गेट पे अभी भी जितने लोग भी आ रहे हैं इस गेट के, उससे जो है रात को आप बंद करेंगे, रात के में भी जो है कोई आपका गार्ड जो है उतना दबंगता के साथ उस व्यक्ति से बातचीत नहीं कर सकता। जो यहाँ रहने वाला वही दबंगे दिखाएगा, अब तू मुझे रोकेगा, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना नेता हूँ, मैं फलाना अधिकारी हूँ, तो हिम्मत कैसी हो गई? कौन है यहाँ का प्रेसिडेंट? शराब पी के प्रेसिडेंट को फ़ोन लगाएंगे? आप लोग ज़्यादा नेतागिरी कर रहे हो क्या? मैंने अपने मेहनत से वो किया, हटाइए सब गार्ड वार्ड, और आज के बाद मेरे पास गार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन पैसे के लिए भी मेंटेनेंस के लिए मेरे पास मत आना। वो अपना कहीं ना कहीं दबदबा दिखाएगा। तो ये सब समझने की आवश्यकता है, ये सब चीज़ को समझिए आप। आने वाले समय में जब ट्रैफिक और बढ़ेगा तो गेट को भी हटाना पड़ेगा, गार्ड रूम को भी हटाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सेपरेट कर लीजिए। मैंने इसीलिए कहा कि सर्विस रोड को सेपरेट कीजिए, उधर भी सेपरेट कीजिए, कॉलोनी को थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश कीजिए कि एक गेट जो हम इधर से लगा रहे हैं एक गेट इधर से लगा ले और लोग इधर से आना जाना करें, इसको ओपन छोड़े, ऐसा कुछ प्लान किसी आर्किटेक्ट से अच्छे से डिज़ाइन कराइए। मैं बस आज आप लोग को यही सब बताने आया था। और गेट को लगे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गेट को जो है आने वाले समय में हमको एक दो दिन बाद में आके फिर डिस्कशन करूँगा मैं आप लोग के साथ, कोर कमेटी के साथ बैठूँगा